हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है ऑटोमेटिक ऑपरेटर जो कि खेतों में लगाया जाता है मोटर को अपने आप स्टार्ट करने के लिए, और साथ में अगर तीन फेज में एक फेज बंद हो जाए तो ये मोटर को बंद कर देता है, कोई नुकसान होने से बचाता है। आज दोस्तों मैंने इसका जो पीसीबी बोर्ड है वो बिल्कुल बाहर निकाल लिया है और सारा सामान देखें अलग अलग है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में इसके कनेक्शन बताने जा रहा हूं। अगर आपने एक बार यह वीडियो देख ली तो मेरे ख्याल में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी इसके कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है 440 वोल्ट के लिए, लेकिन यह जो जसवंत कंपनी वाले हैं इन्होंने इसके सीरीज में जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है उसके सीरीज में एक कैपेसिटर लगाया है 224 इसका नंबर है, 400 वोल्ट इसके सीरीज में लगाया गया है। बाकी जितने भी आप ऑपरेटर देखोगे उसमें ये कैपेसिटर नहीं लगाया जाता, सीधे ही इसको 440 वोल्ट दी जाती है। अगर हम इसको 440 वोल्ट सीधे देंगे तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। और इसमें यह देखें जो सबसे बॉबन की अंदर की तरफ है ये वाली वायर, ये रेड भी हो सकती है, ये ब्लू है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और यह जो ब्लैक है पेपर के नीचे और बॉबन से बाहर, इसको बॉबन बोलते हैं ट्रांसफार्मर का, और जो बॉबन के बाहर है ये वाली, ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब इसको 440 वोल्ट देते हैं तो कम से कम यह आउटपुट निकालेगा 14-15 वोल्ट के करीब। और उसके बाद इसकी जो बॉडी है इसमें दो एलईडी लगे हुए हैं, ये ग्रीन है, जब लाइन क्लियर होगी तब यह जलेगा और अगर लाइन में कोई फॉल्ट आया तो रेड एलईडी जलेगा। अगर ये दोनों एक साथ जल रहे हैं तो इसमें फॉल्ट है। और एक इसमें दिया गया है क्विक स्टार्ट, क्योंकि ये टाइमर वाला है, इसमें टाइमर है, कुछ 20 सेकंड के करीब का टाइमर होता है, तो अगर इसको हम क्विक स्टार्ट करेंगे तो ये तुरंत मोटर आपकी जो स्टार्ट हो जाएगी। और ये है ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ है कि इस साइड में ऑटो, जब इसको ऑन करेंगे तो ये ऑटो मोड में है, अगर इसको ऑफ रखेंगे तो ये मैनुअल मोड में रहेगा। फिर आप स्टार्टर के ऊपर जो बटन दिए गए हैं उससे आप सीधा मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कनेक्शन की बात करते हैं। इसमें है पांच वायर वाला है, ये पांच वायर है, 1 2 3 4 5, जो ब्लैक वायर है तीनों, इसमें एक वायर को गांठ दी जाती है और ये जो गांठ वाली वायर है ये सीधे स्विच के सेंटर पॉइंट पर आएगी, क्योंकि ये टू वे स्विच है, इसके सेंटर पॉइंट पर आएगी। तो अगर हम इसको ऑटो में रखेंगे तो ये देखें यहाँ से देखें एक छोटी सी वायर दी गई है जो कि सीधे बोर्ड में आएगी, और दूसरी साइड में जो है ऑफ समय जब मैनुअल मोड में होगा तो यह जो येलो वायर है ये सीधे स्टार्टर को जाएगी। पांच नंबर की वायर है ये जब ऑटो मोड में होगा तब इसमें से करंट वापस जाएगा वाया रिले के थ्रू। तो सबसे पहले जो स्विच पर आई है वायर, जहां पर इसको हम वायर को लेंगे और साथ में एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एक साथ लेंगे दोनों, और जो रिले का कॉमन पॉइंट होता है वहां पर यह लगाएंगे। अगर आपने एक साथ नहीं लगानी ट्रांसफार्मर की वायर तो यह देखें जहां से करंट आ रहा है यहां पर भी आप लगा सकते हो, तो मैं यहां पर लगा देता हूं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की एक वायर। अब जो दूसरी वायर है इसकी ट्रांसफार्मर की, इसको हम लगाएंगे
वो जो यह कैपेसिटर लगा हुआ है इसके दूसरी साइड लगेगी, क्योंकि एक साइड में हम देंगे इसमें 440 वोल्ट और जो दूसरी साइड है इसकी आएगी वो जहां पर बनेगी यहां पर, क्योंकि जहां से कैपेसिटर लगा हुआ है जहां तक ये देख सकते हो, तो मैं इसको लगा रहा हूं यहां पर। अब उसके बाद जो दूसरी दो वायर बची है दोनों फेजों की, एक रेजिस्टेंस है जहां पर 150 के की, वहां पर ये देखें बिल्कुल अलग एक सिंगल प्रिंट है, यह वो हम जहां पर लगाएंगे जहां पर ये कैपेसिटर लगा हुआ था, क्योंकि ट्रांसफार्मर को सप्लाई यहां से जाएगी। उसके बाद है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जहां पर ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, लेकिन जो इसमें डायोड लगे हैं दो जहां पर हैं और दो जहां पर है 14-15 वोल्ट के करीब, तो इसको डीसी बनाने के लिए ये दोनों वायर हमने लगा दी ब्रिज पर। अब जो डीसी सप्लाई बनेगी उसको ये फिल्टर करेगा ये वाला कैपेसिटर, जो कि 25 वोल्ट 220 एमएफडी का है, जहां पर आप देख रहे हो कि एक प्रिंट था। अब जो उसके बाद रेड वायर है तो यह हम लगाएंगे रिले के, रिले जब ऑन होगी तो वहां पर जा रही है, ये देखें स्टार्टर को, जो 9 वोल्ट कॉइल होता है उसको ये सीधे ऑन करवाती है, इसीलिए जहां से ये करंट दिया गया है। तो जितनी हमारी ये 5 वायर थी ये हमने लगा दी है। अब उसके बाद जो है एक इसमें है क्विक स्टार्ट के लिए, तो क्विक स्टार्ट के लिए यहां पर एक लगी हुई है रेजिस्टेंस 560 के की, जो कि टाइमर आईसी है, इसको डिस्चार्ज जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस पर लगी है, तो उसको एकदम डिस्चार्ज करने के लिए ये हम इसके ऊपर लगा दी है। जैसे ही हम इसको शॉर्ट करेंगे रेजिस्टेंस को तो ये तुरंत ही ऑन हो जाएगा। और यह लगाने के बाद बाकी बचे दो एलईडी, जिसमें एक है ग्रीन एक है रेड। एलईडी का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों वायर है यह रेड है पॉजिटिव और यह नेगेटिव, इसी तरह है यह वाली है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ग्रीन एलईडी, वो कहां पर लगानी है, इसमें क्या है कि अगर तो ये आपका टाइमर वाला है, अगर आपका टाइमर वाला स्टार्टर है तो उसमें ये पार्ट अलग से लगा होगा आईसी वाला, तो उसमें क्या है कि एक 547 ट्रांजिस्टर है, इसका जो कलेक्टर है ये सीधा रिले के साथ जुड़ता है, तो वहां से एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है 3.3 के की, 3.3 के, और जो नेगेटिव वायर है वो हम लगाएंगे जहां पर इसके कलेक्टर पर, और जो दूसरी वायर है वो लगा देंगे सीधे जो पॉजिटिव सप्लाई है उस पर। इसमें एक जीनर डायोड होता है 7 वोल्ट के करीब, तो वहां उसके साथ ही एक तकरीबन 1 के की रेजिस्टेंस है, और जो दूसरी वायर है इसकी एलईडी की वो हम इसके कलेक्टर पर लगाएंगे, जो है दूसरा ट्रांजिस्टर 547। जो पहले वीडियो बनाई है ना उसमें मैंने इसका डायग्राम दिया है, अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो जब यह वीडियो खत्म होगी तो वहां पर एंड स्क्रीन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप क्लिक करके बाकी की वीडियो वहां से देख लेनी, आपको इसका काफी पता चल जाएगा। तो हमारी जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको सप्लाई देकर देखते हैं। ये देखें सप्लाई हमने दे दी है, अभी रेड लाइट है जो चालू है, लेकिन अगर हमने सिंगल फेज पर चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम
जो स्विच से आ रही वायर थी येलो और एक ट्रांसफार्मर वाली वायर, इसको हम पीसीबी से उतार कर इस तरह लगाएंगे एक साथ। और जो एलईडी है ये ग्रीन हो चुका है। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको इसकी और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उस तरह की वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।